हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दिया हुआ है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, अ स्क्वायर ए बी सी डी इज इंस्क्राइब्ड, मतलब सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज आउटसाइड द स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड करना। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज आउटसाइड द स्क्वायर, सर्कल का जो पार्ट स्क्वायर के बाहर है उसे कैलकुलेट करना है, मतलब ये सारा पार्ट। तो काफी सिंपल है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? पूरे सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये पार्ट आ जाएगा। अब सर्कल का तो रेडियस दिया हुआ है तो सर्कल का एरिया तो निकल जाएगा, और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का जो साइड चाहिए, स्क्वायर का साइड दिया हुआ नहीं है, तो पहले इसके हेल्प से हम स्क्वायर का साइड पता करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस 7 है ये, तो सर्कल का डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 7 का डबल 14, और जो सर्कल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर का डायगनल है, तो डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? डायगनल ऑफ स्क्वायर हो गया 14 सेंटीमीटर। अब डायगनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डायगनल ऑफ स्क्वायर होता है रूट टू इंटू साइड, ठीक है, और डायगनल ऑफ स्क्वायर हमें पता है 14 है, तो यानी रूट टू इंटू साइड इक्वल टू 14, तो साइड का वैल्यू आ गया साइड इक्वल टू 14 बाई रूट टू सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? डायगनल ऑफ स्क्वायर रूट टू इंटू साइड, ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो डायगनल ऑफ स्क्वायर से ये हमें साइड पता चल गया, स्क्वायर का साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो ये हो गया 14 बाई रूट टू का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 196 बाई 2, ये कट जाएगा 98 बार में, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल भी कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22 बाई 7 इंटू रेडियस 7 दिया हुआ है सर्कल का, 7 इंटू कट गया 22 इंटू 7, ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का एरिया भी पता चल गया, स्क्वायर का एरिया पता चल गया, तो जो हमें फाइंड करना था रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल आ रहा है 154 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा है 98, तो यहाँ से ये आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।